हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उप्स का टॉपिक देखने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रिटर्न वैल्यू टू मेंबर फंक्शन, यानी आप लोग मेंबर फंक्शन को वैल्यू कैसे रिटर्न करते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारी हीडर फाइल हमको इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड iostream.h। नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लास सर्कल ले लेती हूँ। मुझे रेडियस एंटर करनी है सर्कल की और एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस एंटर करनी है, दैट मीन्स उसके लिए मैं वेरिएबल यानी डेटा मेंबर ले लेती हूँ आर, बराबर है। और अभी हम लोगों को वहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। पाई दैट मीन्स 3.14 पॉइंटेड वैल्यू आने वाली है, इसीलिए आपको यहाँ पे डेटा टाइप लेना है फ्लोट और डेटा मेंबर का नाम हम लोग ले लेंगे एरिया, एरिया फ्लोट एरिया, बराबर है। फिर यहाँ पे हम लोगों का पब्लिक सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं वॉइड गेट मेथड ले लेती हूँ, वॉइड गेट मेथड जिसके थ्रू हम लोग हमारा जो डेटा है वो एंटर कर देंगे। सी आउट एंटर रेडियस, हम लोगों को क्या एंटर करना है, रेडियस एंटर करना है, बराबर है। देन सी इन आर में वैल्यू हम लोग स्टोर कर लेंगे आर, बराबर है। देन उसके बाद हम लोग ले लेते हैं शो मेथड, यानी शो नाम की मेथड हम लोग लेते थे, लेकिन अभी तक हम लोग वॉइड शो लेते थे, बराबर है। वॉइड दैट मीन्स नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू, दिस इज मीन द वॉइड, बराबर है। लेकिन अभी हम लोगों का हेडिंग है हाउ टू रिटर्न वैल्यू, वैल्यू हम लोगों को फंक्शन के थ्रू रिटर्न करनी है, बराबर है। तो या फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करनी है, तो इसीलिए हम लोग शो मेथड के थ्रू हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप ले लेते हैं फ्लोट, यानी इसका मीनिंग है शो फंक्शन के थ्रू आपको एक वैल्यू रिटर्न होने वाली है, जिस रिटर्न टाइप का नाम है वैल्यू, या जो भी वैल्यू आपको रिटर्न होंगी वो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, यानी पॉइंटेड वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर, बराबर है, 3.14 इंटू आर इंटू आर। देन सी आउट एरिया इक्वल्स टू एरिया एंडर, यहाँ पे क्लास कंप्लीट, यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो चुका है हमारा। देन वॉइड मेन फंक्शन, सॉरी वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है। सर्कल को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सर्कल सी, यहाँ पे हमने सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। देन सी डॉट गेट मेथड, यहाँ पे गेट मेथड को कॉल किया है। अभी हम लोग कॉल करते हैं सी डॉट शो मेथड, बराबर है, सी डॉट शो मेथड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोगों को शो मेथड के थ्रू एक वैल्यू रिटर्न होने वाली थी, बराबर है, एक वैल्यू यहाँ पे आपको रिटर्न होने वाली है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना है। फ्लोट ए ले लिया मैंने इक्वल टू सी डॉट शो मेथड, यानी इसका मीनिंग है शो फंक्शन के थ्रू जो भी वैल्यू आएंगी वो आपको किसको रिटर्न होने वाली है, ए को, बराबर है। तो इसीलिए आपको ये जो स्टेटमेंट है सी आउट का, इसको क्रॉस करना है, ये यहाँ पे आपको नहीं लेना है, बराबर है। तो यहाँ पे आपको इसकी जगह पे फंक्शन लेना है रिटर्न, और उसमें कौन सी वैल्यू आप रिटर्न करोगे, एरिया, बराबर है। यानी इसका मीनिंग है इस फंक्शन के थ्रू एरिया जो भी आपका फाइंड आउट हुआ है वो आप रिटर्न करोगे। कहाँ पे रिटर्न होगा, तो वो रिटर्न होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सी स्टेप है आपकी, कॉलिंग स्टेप है, बराबर है। यहाँ पे कौन सी स्टेप है, कॉलिंग। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी जो वैल्यू रिटर्न होंगी शो फंक्शन को, वो ए को असाइन हो जाएंगी। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे सी आउट एरिया इक्वल्स टू और ए की वैल्यू, और यहाँ पे एंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूशन देख लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन बताती हूँ आपको। ये आपका रैम है, बराबर है, और ये आपकी आउटपुट स्क्रीन जो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी।
ठीक है। अभी मेन फंक्शन में आएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सी। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कर्सर क्लास में जाता है और चेक करता है आपके पास कौन से डेटा मेंबर्स है। तो रैम में सी ऑब्जेक्ट के लिए आर और एरिया के लिए स्पेस अलोकेट हो जाएंगी। आर के लिए 2 byte और एरिया के लिए स्टोर होंगे 4 byte, बराबर है, क्योंकि इंटीजर था आर तो 2 byte और एरिया फ्लोट था तो 4 byte, ठीक है। फिर हम लोग वापस आ जाएंगे सी डॉट गेट मेथड, अगेन कॉलिंग स्टेप है, तो गेट मेथड से कर्सर ट्रांसफर होगा यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करने वाला है, यानी यहाँ पे आ गया एंटर रेडियस। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको मैसेज आएगा एंटर रेडियस। एंटर रेडियस मैसेज आने के बाद मैंने एंटर कर दिया 2, बराबर है, क्या एंटर किया मैंने 2। तो 2 वैल्यू आपकी सीन के थ्रू आर में सेव हो जाएंगी। सीन स्टेटमेंट के थ्रू जो आपने 2 वैल्यू एंटर की थी वो आर में सेव हो जाएंगी, बराबर है। फंक्शन कंप्लीट, कर्सर फिर से वापस आएगा, वापस आने के बाद आ जाएगा सी डॉट शो पे। सी डॉट शो कॉलिंग स्टेप है, कर्सर यहाँ से ट्रांसफर होगा शो पे, बराबर है, यहाँ से शो पे ट्रांसफर हो गया। वो शो पे 3.14 इंटू आर इंटू आर, आर में वैल्यू क्या थी हमारी 2, तो 3.14 इंटू आर, बराबर है, 3.14 इंटू आर इंटू आर, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा यहाँ पे सेव हो जाएंगी, कहाँ पे, एरिया में, रैम में, बराबर है। और रिटर्न एरिया यानी एरिया की जो वैल्यू है वो रिटर्न होंगी, लेकिन कहाँ पे, जिस स्टेटमेंट से आप शो पे आए थे, तो यहाँ से आए थे हम लोग, तो एरिया की जो वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाएंगी। तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा एरिया इक्वल टू, बराबर है, और ए की वैल्यू